इस वीडियो में प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम रीड करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। अभी तक हमने पिछली एक्सरसाइज में इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ा है। हर जगह हमने प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये बताया था कि उसकी यूनिक वैल्यू नहीं है, सी की वैल्यू अलग अलग के लिए उसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आती जाएगी। बट जब हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं तो उसकी यूनिक वैल्यू होगी, इट हैज़ यूनिक वैल्यू। डेफिनेट इंटीग्रल में यूनिक वैल्यू होगी। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन है सपोज दिस इज कर्व, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, एंड फ्रॉम दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी। डेफिनेट इंटीग्रल को हम जब डिफाइन करते हैं, दिस इज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स ये फंक्शन हो गया। तो इसके अंदर वाला जितना भी जो ये एरिया है, ये हमारा इसकी वैल्यू होगी डेफिनेट इंटीग्रल की। ए से लेके बी तक किस किस के बीच में, एक्स एक्सिस x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी एंड y इज इक्वल टू एफ एक्स के बीच में जो ये वाला एरिया है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको दो तरह से इंट्रोड्यूस किया गया है। लिमिट, पहली एक्सरसाइज में हम डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, लिमिट ऑफ सम के रूप में हम पढ़ेंगे। मीन्स ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे ए इसकी लोअर लिमिट कहलाती है, बी इसकी अपर लिमिट। दिस इज इक्वल टू बी माइनस ए, पहले हम लिमिट के रूप में पढ़ेंगे, बी माइनस ए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच एंड सोन प्लस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच एन माइनस वन इंटू एच, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा एच है वो होगा बी माइनस ए अपॉन एन, बी माइनस ए अपॉन एन। तो हम लिमिट के रूप में इन क्वेश्चंस को रीड करेंगे। एक्सरसाइज 7.8 में हमारे सारे क्वेश्चंस हमने लिमिट लिमिट ऑफ सम लेना है, ठीक है। चलिए हम एक्सरसाइज 7.8 के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वन करते हैं, ए टू बी एक्स डी एक्स एज ए लिमिट ऑफ सम करना है। देखिए एज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो था एज ए लिमिट ऑफ सम में हमने क्या लिखा था, बी माइनस ए इंटू लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ पे ए हमारे पास ए ही है, बी हमारे पास बी है, एंड एफ एक्स जो है वो हमारा क्या है, एक्स है, ठीक है। एंड देन एच, एच हमारा क्या था, बी माइनस ए अपॉन एन हो जाएगा, बी माइनस ए अपॉन एन। सो ए टू बी एक्स डी एक्स हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, बी माइनस ए लिमिट एच टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन एफ ऑफ ए, एक्स की जगह ए पुट करेंगे तो ए हो जाएगा, फिर ए प्लस एच करेंगे, ए प्लस एच, ए प्लस का टू एच एंड सोन, लास्ट में हमारे पास क्या बनेगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच हो गया, ठीक है। अब ये एन टाइम्स है, ए ए ए, इनको हम अलग कर लेते हैं, बी माइनस ए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन ए प्लस ए प्लस ए, ये हमारा एन टाइम्स हो गया, ठीक है।
इसके बाद प्लस एच प्लस टू एच प्लस थ्री एच प्लस लास्ट में हो गया हमारा एन माइनस वन इंटू एच हो गया, ठीक है। बी माइनस ए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन, ए एन टाइम्स अगर होगा तो दिस इज एन इंटू ए हो गया, यहाँ पे एच कॉमन हो गया एच। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू कहाँ तक हो जाएगा, एन माइनस वन तक हो जाएगा। सो वन से लेके एन माइनस वन तक का जो सम होगा एन माइनस वन इंटू नेक्स्ट टर्म लास्ट टर्म उससे नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। इनमें क्या कॉमन हो गया, एन कॉमन हो गया। दिस इज बी माइनस ए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन, एन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा ए प्लस एच की जगह एच हमारा क्या था बी माइनस ए, बी माइनस ए अपॉन एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू पुट करते हैं हम, यहाँ एन से एन कैंसिल हो गया। अगर अब एन टेंस टू इन्फिनिटी बट यहाँ पे एन हमारे पास इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा वो नॉट डिफाइंड होगा, तो हम क्या करेंगे इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी दिस इज ए प्लस एन से इसको डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास ये हो गया बी माइनस ए अपॉन टू, बी माइनस ए अपॉन टू एन से अगर मैं डिवाइड कर वन माइनस वन अपॉन एन, एन से डिवाइड कर दिया वन माइनस वन अपॉन एन, ठीक है। अब यहाँ पे एन टेंस टू इन्फिनिटी अगर हम रखेंगे ये वैल्यू वन अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो दिस इज बी माइनस ए लिमिट हमने पुट कर दी यहाँ पे, यहाँ बचा हमारा ए प्लस बी माइनस ए अपॉन टू इंटू वन माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी मीन्स जीरो हो गया भाई। तो वैल्यू हमारे पास होगी बी माइनस ए, इसको आप सोल्व करेंगे ये तो वन ही रह गया, टू ए प्लस का बी माइनस ए अपॉन टू, टू ए में से ए गया ए बचेगा, सो ये वैल्यू हो गया बी माइनस ए टू ए माइनस ए ए ए प्लस बी या बी प्लस ए डिवाइडेड बाई टू, बी माइनस ए बी प्लस ए बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन टू इज योअर आंसर हो गया, ठीक है, आसान सा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, जीरो टू फाइव एक्स प्लस वन डी एक्स, एज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या है, बी माइनस ए लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच एंड सो ऑन लास्ट में एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ये इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। हेयर ए हमारे पास क्या है, ए ज़ीरो है, बी हमारा क्या है फाइव है, ठीक है, और एफ एक्स जो है हमारा वो है एक्स प्लस वन एंड एच, एच हमारा क्या था बी माइनस ए अपॉन एन मीन्स फाइव माइनस ज़ीरो अपॉन एन, सो फाइव अपॉन एन हो जाएगा, एच की वैल्यू हमारी फाइव अपॉन एन है। तो ज़ीरो टू फाइव एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, बी माइनस ए फाइव माइनस ज़ीरो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन एफ ऑफ ए, जब मैं एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट करूँगा तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी वन हो जाएगी, एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट की ज़ीरो प्लस वन प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच मीन्स ए तो हमारे पास क्या है ज़ीरो, तो यहाँ पे हम ज़ीरो प्लस एच पुट करेंगे एच वन प्लस एच हो जाएगा वन प्लस एच, ध्यान दीजिए हमारे पास ये ज़ीरो तो एच ही रखना हमने, एक्स की जगह क्या पुट करना है एच वन प्लस एच प्लस नेक्स्ट ए प्लस टू एच करें हम ए प्लस टू एच ज़ीरो ही हो गया, तो हमने यहाँ पे क्या रखना है वन प्लस टू एच हो जाएगा वन प्लस
टू एच एंड सो ऑन, लास्ट में बन जाएगा वन प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब फाइव माइनस जीरो फाइव, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन, इनको ऐड कर लीजिए, वन 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 कितने टाइम्स है, एन टाइम्स है, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, दीज आर एन टाइम्स, प्लस एच कॉमन हो गया यहाँ पे, वन प्लस टू प्लस लास्ट में हमारे पास है एन माइनस वन, फाइव लिमिट्स एन टेन टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन, दिस इज एन, वन को एन टाइम्स ऐड करेंगे एन हो जाएगा, प्लस एच इंटू, इनको सम करेंगे पहले की तरह एन माइनस वन इंटू एन अपॉन टू हो जाएगा, ठीक है। ये एन हमारे पास इधर जाके कॉमन हो गया, फाइव लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन, एन मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा वन प्लस, अब मैं एच की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू पुट करें, एच हमारे पास क्या था, फाइव अपॉन एन था, फाइव अपॉन एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, ये एन हमने बाहर ले लिया, एन से एन कैंसिल हो गया, इस एन से ये डिवाइड कर दीजिए, फाइव लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी वन प्लस फाइव अपॉन टू, एन से डिवाइड करेंगे, वन माइनस वन अपॉन एन, नाउ पुट लिमिट एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, जीरो हो जाएगी, फाइव इंटू वन प्लस फाइव अपॉन टू, वन माइनस ज़ीरो हो गया, मीन्स ये वन ही रह जाएगा हमारा, टू प्लस फाइव, फाइव इंटू सेवन अपॉन टू, दैट इज़ थर्टी फाइव अपॉन टू इज़ अवर आंसर हो जाएगा, ठीक है, यूनिक वैल्यू आ गई।